तुम लोग का टेक्निकल जी चैनल में, जैसा कि मैंने आपको वो थंबनेल में देख लिया होगा कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना लोकेशन गूगल मैप में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जो थ्री डॉट्स होंगे, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और जो है तो अपने आपको एक ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगा जो है गुम स्थल जोड़े। आपको इंग्लिश में अगर होगा तो आप कह में होगा शायद लगभग सेम ही होगा, तो आपको उस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ये आपको अपने लोकेशन का नाम लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, मैं और उसके बाद आपको नाम डालने के बाद मोहल्ले या पता आपको लोकेशन मैप है पर जो है तो क्लिक कर लेना है मैप को ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। और बैक करके ठीक ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा। और उसके बाद आपको श्रेणी यहाँ पे चुननी है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको आएगा घर, रेस्टोरेंट, या तो स्कूल या कुछ भी, आप जो श्रेणी में उसकी जो कैटेगरी होगी उसमें आपको सेट कर देना है। कैफे, शॉपिंग सेंटर, बाहर। तो मैं घर में अभी सेट कर देता हूँ होम, अपना होम। तो होम में सेट हो गया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे जो सेंड का एक बटन दिखाई दे रही है इस पर क्लिक कर देना है और ज़्यादा कुछ नहीं। वो आपको कुछ दिनों में जो है तो आपको ये भेजा जा रहा है। तो इसके बाद आपको वेरीफाई करेगा पहले गूगल मैप की ये लोकेशन सही हो रही है या नहीं, या कोई फ्रॉड है। तो अगर आपका लोकेशन सही हो गया या वेरीफाइड हो गया तो आपका जो है तो इसको जोड़ दिया जाएगा और आप जो है तो अपना लोकेशन गूगल मैप में ऐड कर लेंगे। तो इतने सिंपल स्टेप से आप अपना जो है तो लोकेशन गूगल मैप में ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। और आप चाहे तो अब यहाँ से अपना जो है तो सेव कर सकते हैं या इसमें कुछ लेवल्स लगा सकते हैं। आप अगर कहीं दूर है तो अपने घर जाने के लिए रास्ते भी सेट कर सकते हैं। तो ये था गूगल मैप में ऐड करने का लोकेशन। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करें और सब्सक्राइब करके जाएं चैनल। ऐसी वीडियो आपको आगे मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।